तर हे झालं गुगल वाचतो किंवा जनरल वाचतो जे तुम्ही ऐकता, ठीक आहे. पण यातलं मुख्य भाग असा आहे की देवासाठी वासूची गरज आहे का, देवासाठी जागेची गरज आहे का, की ही देवाची जागा असं आहे का. नाही असं नाही मॅम, बट ते बोलतात ना की घरात देव असलं पाहिजे किंवा देवघर असलं पाहिजे ज्याच्याकडे आपण आपल्या मनातल्या गोष्टी सांगू शकतो काही. तो मी समजावून सांगते, कारण हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. तुम्ही अजून तुमचं पूर्ण आयुष्य पुढे जाणार आहे म्हणून कन्सेप्ट क्लिअर करते की देव हा सगळीकडे असतो. ओके, जस्ट लाईक आपण हवा असते, आपल्याला दिसत नाही, जाणवत नाही, पण आपण जेव्हा हमलोग जब फॅन लगाते है, वेन वी पुट ऑन द फॅन ऑर ए सी, वी कॅन फील द एअर विच इज ऑलवेज 24/7 अराउंड अस, बट वी कॅनॉट फील अंटिल वी स्विच ऑन द बटन. ओके, तो ये भगवान का अस्तित्व हर जगह में, हर कण कण में है. तो वास्तु में हमें क्या देखना है कि हमें वो भगवान की ऊर्जा कैसे मिलती है. वी नीड टू बी रिसीपेंट, हमें वो स्वीकार करने की हमारी क्षमता कौन से जोन में बढ़ सकती है, वो दिशा में हमें बैठना है. आई बात समझ में? यस मैम. यस मैम. यस. तो जब भी हमारी वोकैबुलरी, जब भी हम बात करते हैं, तो ऐसे कभी नहीं कहना है कि ये भगवान के लिए ये वास्तु में ये जगह है. ऑन द रियलिटी इज ये पूरा जो पृथ्वी है वो ईश्वर की है, पृथ्वी है वो ईश्वर का घर है, और हम हमारा घर एक छोटा सा एक उसका एक पार्ट ऑफ द दैट अर्थ हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं फॉर टाइम बिंग, जब तक हम जिंदा है, और वही वो भी भगवान का ही घर में घर है. हम भगवान के घर में ही रह रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होने के लिए हम एक जोन डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे अगर बैठे हैं तो हमें ईश्वर की ऊर्जा आसानी से मिलती है, क्योंकि हमारा बॉडी का रेजोनेंस ठीक तरह से होता है, हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर होती है, हम सोर्स डायरेक्शन में बैठे हैं. ये आया समझ में? क्लियर है? तो नॉर्थ ईस्ट को क्यों बताया गया है, और एक रीजन बता दूं. ईस्ट तो है नो डाउट, ईस्ट भी अच्छा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्यों बताया है, क्योंकि भगवान का वास हम कहाँ पे मानते हैं? स्वर्ग है, आकाश है, वहां पे मानते हैं ना. तो आकाश तत्व कहाँ पे होता है? नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है. तो कभी भी ईश्वर का जो भी आपको करना है, प्रेयर रूम है, पूजा घर है, या मेडिटेशन रूम है, ये आकाश तत्व में अगर आप बैठते हो तो आप वो सोर्स एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से बहुत आसानी से जुड़ जाते हो. इट इज वेरी इजी कनेक्टिविटी हो जाती है, आपके थॉट्स है, आपका ब्रीदिंग का पैटर्न है, बहुत सेटल हो जाते हैं. मतलब एक जैसे पानी की धार होती है ना, बिल्कुल स्मूथली आती है, ऐसे आपका व्यक्तित्व वो समय में होता है जब भी आप आकाश तत्व में रहते हो. दैट इज वाई दिस इज द रीजन कि पूजा अगर हमेशा आकाश तत्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में होना सबसे बेस्ट पोजिशन. समझ में आ गया? ओके मैम. यस मैम. थोड़ा हेवी लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इजी है? नहीं मैम, इजी है. ओके. तो कभी भी आपको कुछ भी प्रेयर करनी है या कोई भी आपकी इच्छा है सपोज, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आप प्रे करते हो, वहां पे पूजा घर भी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्चार्ज डायरेक्शन में या सम डायरेक्शन में करते हो, ठीक है. तो अभी पूजा घर में कैसे, अभी वेन वी आर परफॉर्मिंग दैट पूजा और प्रेयर, वी शुड फेस द ईस्ट डायरेक्शन एंड सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट जोन, ठीक है. अभी जैसे एक थंब रूल है कि कोई भी जो भी वजन होता है, जैसे अलमारिया है, स्टोरेज है, रैक है, वो कोई भी वास्तु में या वास्तु के जो रूम है, लिविंग रूम है, पूजा घर है, किचन है, तो वो सभी स्टोरेज बाय डिफॉल्ट साउथ या वेस्ट वॉल में होना चाहिए. तो वहां की जो निगेटिव एनर्जी है या एनर्जी सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है. और जो भी जितना भी हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को जितना खाली रखते हैं, एम्प्टी रखते हैं, उतनी वहां की कॉस्मिक एनर्जी सर्कुलेशन पॉजिटिव होता है, और हम वहां पे बैठे हैं तो हमें वो एनर्जी आसानी से मिल जाती है. ये समझ में आ गया?
हेलो, अनुजन फोन हाँ मिस मैम, कॉल? यस हेलो, मैम, यस मैम, इंटीरियर के एस्पेक्ट से पूजा घर कैसे होना चाहिए? पूजा घर हमेशा ऐसे लेयर्स में होता है, स्टेप्स में होता है। वो उसका भी लॉजिक इंटीरियर वास्तु में कैसा है कि कोई भी ऊर्जा है, जो भी वाटर है, एयर है, तो वो क्या करती है, वो कैसे बहती है, ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और मंदिर भी ऐसे स्टेप्स में बनाते हैं तो वो ऊर्जा का बहाव आसानी से स्लोप के थ्रू हमें मिल जाता है। और हम कैसे बैठना है, हमें मंदिर हमारे आई लेवल पे होना चाहिए, हमेशा कैसे करते हैं, नहीं तो घर में मंदिर लोअर लेवल पे होता है और हम हायर लेवल से उसको पूजा वगैरह करते हैं। व्हाट इज आइडल कि स्टेप्स में हो और वो हमारी आई लेवल पे होना चाहिए। ये क्लियर है? यस मैम। आप नोट्स ले रहे हो तो मैं स्लो करती हूँ थोड़ा। फिर अभी मंदिर में जो दिया होता है, द पोजिशन ऑफ द दिया हैज टू बी इन द साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट कॉर्नर। अगर ईस्ट में फेसिंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में फेसिंग करते हैं, तो राइट हैंड में वो दिया का पोजिशन होना चाहिए। ओके, तो कोई भी वास्तु की रूम है वहां पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। साउथ रूम का साउथ ईस्ट है वहां पे अग्नि तत्व हो, रूम का पूजा घर का नॉर्थ वेस्ट है या वेस्ट है, वहां पे वायु तत्व है तो वहां पे अगरबत्ती लगानी है, ठीक है। और लाइट ऐसे ऐसे नहीं लगाना है कि जिससे कहीं भी शैडो आती, चाहे आपका स्टडी रूम हो, स्टडी टेबल हो, चाहे आपका डाइनिंग टेबल हो या पूजा करें, तो आपकी शैडो आपके सामने नहीं आनी चाहिए। दिस इज द थंब रूल, ये भी किसी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। सो अवॉइड सिटिंग इन सच पोजिशन वेयर लाइट्स आर देयर ऑन योर हेड एंड योर शैडो इज ब्लॉकिंग योर फ्रंट एरिया। ये आ गया समझ में? यस मैम, या मैम हाँ यस, ये एक बार वापस रिपीट करो ना, अवॉइड सिटिंग इन सच पोजिशन वाला। व्हेनेवर यू आर सिटिंग फर्स्ट ऑन द स्टडी टेबल और ऑन द चेयर और फॉर पूजा और डाइनिंग टेबल, योर शैडो शुड नॉट ब्लॉक योर फ्रंट एरिया। जो आपकी थाली, उसमें आपकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। आप स्टडी कर रहे हो तो आपके किताबों पे आपकी छाया नहीं पड़नी चाहिए, वो एक बड़ा सा वास्तु दोष होता है। छाया मीन्स क्या होता है, एज पर एस्ट्रोलॉजी राहु केतु होते हैं, और एनी काइंड ऑफ शैडो ब्लॉक्स द लाइट, ब्लॉक्स द एनर्जी सर्कल। दैट इज वाई अवॉइड एनी सच पोजिशन वेयर लाइट्स आर ऑन योर हेड एंड योर शैडो इज ब्लॉकिंग योर फ्रंट एरिया। समझ में आ गया ये? यस मैम, यस। अगर आप मेरे स्पीड अगर स्लो करनी है तो आई विल लिटिल बिट से इन अ स्लोअर वे। स्पीड ठीक है? मैम, नो प्रॉब्लम। या ओके यस मैम। तो एज पर रूल अभी आप लिख लो ये सब कि ऑलवेज प्लेस द पूजागर इन द नॉर्थ ईस्ट जोन। एंड ऑलवेज गिव प्रॉपर बेस फॉर द पूजा घर, ऐसे हवा में लटक के नहीं लगाना है जो मॉडर्न घरों में देखा जाता है। तो उसको अगर ऊंचाई पे, हाइट पे लगाना है तो उसको बेस, यानी आप कबर्ड करो, कुछ भी करो, उसको प्लेटफॉर्म करो और उसके ऊपर पूजा घर की प्लेसमेंट, ठीक है। उसके नीचे कबोर्ड भी हो सकता है। फिर और एक है कि पूजा घर के राइट साइड में ऑलवेज प्लेस द दिया ऑन द साउथ ईस्ट एरिया ऑफ द पूजा घर। एंड ऑलवेज कीप द अगरबत्ती एंड एनी काइंड ऑफ सच एयर एलिमेंट, ऑलवेज कीप इट इन द एयर एलिमेंट, यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मॅम एक वेळा रिपीट करून आहे जी तुम्ही बोलला ना, देव्याची पोझिशन म्हणजे आपण बसतो त्या पोझिशनला की देव्हाऱ्याच्या पोझिशनला? साउथ ईस्ट नहीं, वेन वी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, द दिया शुड बी ऑन द राइट साइड, दैट मीन्स द ईस्ट साइड, साउथ ईस्ट कॉर्नर।
वहां पे अग्नि तत्व ओके है ना भाई, क्योंकि साउथ ईस्ट में बाय डिफॉल्ट अग्नि तत्व है, तो दिया होता है वो अग्नि तत्व का ही है ना, ऑटोमेटिकली वो साउथ ईस्ट में आना है। ओके थैंक यू। नाउ द अगरबत्तीज आर एयर एलिमेंट, उससे वो एयर एलिमेंट है में है, तो वो ऑटोमेटिकली रेजोनेट हो जाता है, अलाइन हो जाता है। दैट मीन्स अगरबत्ती स्टैंड शुड बी प्लेस्ड इन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन। ओके, एंड ऑल द अलमारीज स्टोरेज शुड बी प्लेस्ड इन द साउथ और वेस्ट वॉल ऑफ द पूजा। मैम और एक बार रिपीट करूँ ना। ऑल द स्टोरेज एंड कबोर्ड्स अलमारिया इफ एनी दे आर टू बी प्लेस्ड ऑन दी वॉल ऑन दी वेस्ट वॉल और साउथ वॉल। अगर डायगोनल है तो साउथ वेस्ट वॉल। The idols in the puja room should be in the east west, not diagonal. मतलब जो भी मूर्तियां है हमारे घर में भगवान की, ईश्वर की, या फोटो है, तो कभी भी डायगोनल डायरेक्शन में उसको नहीं रखना है। They should be east west, facing towards west and placed in the east or north east. That means अगर north east zone में रखते हैं तो भी उनको east wall पे रखना है। पूजा घर का, पूजा घर होता है उसके ऊपर कोई भी स्टोरेज नहीं रखना है। There should not be any storage above the puja. Lower level पे चलता है। Now next point is puja ghar should not be above, below or next to the kitchen or toilet. Means puja ghar और टॉयलेट या किचन की वॉल कॉमन नहीं होनी चाहिए। मैम यस एक क्वेश्चन पूछने का था। अगर हाँ बताना क्या पूछ। मीन्स पूजा घर किचन, पूजा घर किचन में हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं किचन में नहीं होता है। किचन में तो अग्नि तत्व होता है, और अग्नि तत्व क्या क्या करता है, अगर कोई भी चीज हम हवा में डालते हैं तो उड़ जाते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। कोई भी चीज अगर हम पानी में डालते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं किसी रूप में उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन कोई भी चीज अगर हम अग्नि में डालते हैं तो वो भस्म हो जाता है। तो अगर किचन में अग्नि अच्छा तत्व होता है, किचन कहीं भी हो, लेकिन किचन में क्या होता है, फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, और वहां पे जो कॉस्मिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स एंड एवरीथिंग वी सी एंड डू, तो उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज टोटली बर्न आउट, ओके मैम कंप्लीटली बर्न आउट। दैट इज वाई इट इज नॉट एडवाइजेबल कि किचन में पूजा घर हो। बट व्हाट आई हैव सीन कि ओके लोग और बंगलो बनाते हैं, तीन तीन रूम चार चार बेडरूम के फ्लैट होते हैं, लेकिन पूजा घर उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। आई हैव सीन दिस, पीपल आर सो मनी माइंडेड कि जिनके ब्लेसिंग से, ईश्वर की, ईश्वर कहो निसर्ग कहो जो भी है, जिनके ब्लेसिंग से सब कुछ मिला है उनको लास्ट प्रायोरिटी होती है। देन व्हाट हैपेंस यू नो, ऐसे घर में जो भी वेल्थ या जो भी ग्रोथ आती है, जो भी
उनको हैप्पीनेस होता है, प्लेजर, वो टेम्पररी होता है, बिकॉज इनके मन में वो कृतज्ञ भाव नहीं होता है कि ईश्वर या कोई भी आपका जो भी रिलीजन है उनकी वजह से ही हम आज अच्छे हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड अगर उनमें नहीं है, और उनको पूजा अगर लास्ट पोजिशन है कि कहीं भी मैडम रख दो पूजा कर, यू नो इतना इसी तरह से कैसे बात करते। अभी हॉल में तो अच्छा नहीं दिखेगा, बेडरूम में कैसे रख सकते, तो कहीं भी आप उसको प्लेसमेंट कर। तो आई एडवाइज यू एज यू विल बी इंटीरियर डिजाइनर, तो उनको कभी भी डिजाइन में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पूजा कर। ओके यस मैम मैम मोस्ट थैंक ऑफ यू। मोस्ट देवघर जे असतात ना ते लिव्हिंग रूम मध्येच असतात, बरोबर ना? हाँ डिपेंड, इट्स इट्स ऑल पर्सनल चॉइस। ये लोगों बेडरूम को मध्ये नाही ठेवू कैसे, शकत ना मॅम देवघर. कुछ लोगों को कैसे लगता है कि नहीं, हम लोग जब भी जाते हैं बाहर आते हैं तो हमको वो भगवान का दर्शन होना चाहिए, भगवान को ईश्वर को हम दिखने चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, हमें शांति से एक कोने में जाके पूजा पाठ करना है ना। तो ये यूनिक होता है, हर एक का पर्सनल चॉइस होता है, बट यू नीड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ पीपल, बिकॉज यू विल बी प्रैक्टिसिंग इंटीरियर डिजाइनिंग। तो उनको बोलो कि नहीं, पूजा अगर इम्पोर्टेंट होता है, आपकी ये ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, यस मैम, यस यस। मैम. अभी जो भी पूजा करके जो डोर्स है वो इट शुड बी ऑलवेज लोअर हाइट। जैसे अभी मंदिर में हम जाते हैं, बाहर के डोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो गर्भगृह जिसको बोलते हैं मंदिर का, आप टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पढ़ो, इमेजेस देखो, यू विल ऑब्जर्व कि जो भी गर्भगृह का दरवाजा है बहुत छोटा होता है। व्हाई इट इज केप्ट लाइक दैट? बिकॉज वेन एवर वी एंटर द रूम, ऑटोमेटिकली वी नीड टू बेंड डाउन, हमें झुकना ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट। तो वो झुकते हैं तो हमारा पूरा एनर्जी सर्कल है वो ग्रेटिट्यूड फॉर्म में आ जाता है, हम भगवान के प्रति भी झुकते झुक कर ही अंदर जाते हैं। दैट इज वाई ऑल दी डोर्स आर केप्ट लाइक दैट। एंड ऑल्सो और एक रीजन है कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी हो, दरवाजे अगर बड़े रखते हैं तो वो कम्प्लीटली डेसिपेट हो जाएगी बाहर आके। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि दरवाजे गर्भगृह के छोटे होते हैं। और हमारा भी टेम्पल अगर सेपरेट आपने रूम बनाया है, तो किसी को भी बताइए आपके वो जो पूजा घर का जो मेन एंट्रेंस है, डोर्स है, उसकी हाइट बहुत ही छोटी हो और झुक के अंदर जाना। ओके, अभी पूजा घर में जहां कहीं भी विंडोज होनी चाहिए वो भी सेम है कि नॉर्थ और ईस्ट में विंडोज हो तो बेटर है, साउथ एंड वेस्ट में होना ठीक नहीं है, बिकॉज दैट इज दिशा डायरेक्शन। को अगर हम प्रेयर करते हैं और साउथ में विंडो है तो ऑटोमेटिकली वो सन जोन में पूरी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है विंडो का। अगर होम वगैरह करते हैं कभी कभी, अग्निहोत्र करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं संडे को सुबह, तो अग्निहोत्र कहाँ पे करना है? साउथ ईस्ट जोन में, क्योंकि तो वहां पे फायर एलिमेंट है और अग्निहोत्र भी फायर एलिमेंट का होता है। कोई भी होम हवन कभी करते हैं तो उसको साउथ ईस्ट में ही करना है। और मंदिर में मिरर्स ना हो। व्हाट हैपेंस कि मिरर जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है, वो इल्यूजन क्रिएट करता है। या यस एक्चुअली उसके पहले वाला जो पॉइंट था ना, वो लिख रहे तो थोड़ा सा फास्ट हो रहा था इसके लिए थोड़ा। व्हिच वन विंडोज का? हाँ, विंडो विंडोज शुड नॉट, विंडोज ऑफ द पूजा घर शुड नॉट बी इन द साउथ और वेस्ट वॉल। व्हाई? बिकॉज द कॉस्मिक एनर्जी विल बी डेसिपेटेड और ड्रेन इन दैट थिंग जोन। सूर्य की अस्त दिशा है तो वहां पे कंप्लीट एनर्जी निकल जाती है, हमें नहीं। और एक पॉइंट बोला ना मैम आपने, हवन करने के लिए कौन सा किधर करते कौन हैं? सा?
हाँ, अग्निहोत्र जो करते हैं, होम हवन करते हैं, तो वो कभी भी साउथ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे अग्नि तत्व होता है। तो एनी काइंड ऑफ, अगर आपके घर में कभी भी होम हवन है, अग्निहोत्र है, तो उसको ईस्ट जोन में बैठ के करना है या साउथ ईस्ट जोन में बैठ के करना है। ईस्ट इज बेटर, क्योंकि वहां की ऊर्जा ज्योति स्वरूप होती है। पूर्व दिशा की जो अग्नि की ऊर्जा है वो ज्योति स्वरूप है, सौम्य, और साउथ ईस्ट में जो भी ऊर्जा है अग्नि तत्व की वो एक्सप्लोजिव है, तीव्र अग्नि है, अति बल अग्नि जिसको बताया। तो वाटर कहाँ पे होना चाहिए, अभी आप ही जवाब दोगे। पूजा घर में अगर कहीं पानी पानी का कुछ रखना है, सपोज बड़ा पूजा घर है, तो वहां पे वाटर सोर्स है या कुछ रखा है कलश वगैरह, तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए एज पर दिस लॉजिक, लॉजिक ऑफ एलिमेंट। नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली, या तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में रखते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड। तो एक रेमेडी होती है, मैं हमेशा देती हूँ, इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन। जो भी हिंदू है, उन्होंने उन्होंने क्या करना है, पूजा घर में नॉर्थ ईस्ट में या घर में नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कलश रखना है। और जो भी अदर रिलीजन के हैं, उन्होंने क्या करना है कि पानी का कुछ भी घड़ा वगैरह भर के नॉर्थ ईस्ट जोन में रखना है। गॉड या नेचर या एलिमेंट से डजेंट नो रिलीजन, कास्ट, कुछ भी नहीं। बिकॉज आप जब भी जन्म लेते हो तो आपको लेबल लगता है, आपको सरनेम मिलता है, आपके माँ बाप पता चलते हैं, आपको रिलीजन क्या है पता चलता है, कास्ट पता चलती है, कौन सा स्टेट है, कौन सा कंट्री है, बस। लेकिन जो सोल है या जो भी आप है खुद, तो आप आपके लिए सभी कुछ, ये एवरीथिंग इज वन एंड सेम। तो जैसे एलिमेंट्स है वो ऐसे नहीं देखते कि बारिश ऐसे देखती नहीं कि चलो तो ये हिंदू है इसको आज ज्यादा बारिश देते हैं, ये मुस्लिम है इसको थोड़ा सा कम देते हैं, ऐसे होता है क्या कभी? नहीं। कभी नहीं होता है ना। तो इसी तरह ये एलिमेंट्स के लिए, एवरी ह्यूमन इज सेम जस्ट लाइक द चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मदर अर्थ। तो अदर रिलीजन के लोगों ने भी जो भी है पानी का घड़ा रख के साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखे, तो उसे प्रॉस्पेरिटी बाय डिफॉल्ट आता है। यू हैव टू डू एनीथिंग। अच्छा, एक बड़ा दोष देखा गया है कि पूजा रूम की वॉल अगर टॉयलेट की वॉल सेम है या कॉमन है, तो बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, और उससे घर में बीमारियां होती है। व्हेनेवर इट इज सीन दैट कि टॉयलेट वॉल एंड द पूजा घर वॉल इज सेम, हाँ फिर से रिपीट करना। इट इज सीन दैट इफ द वॉल ऑफ द पूजा रूम इज कनेक्टेड विद द टॉयलेट, दैट फैमिली विल फेस मेजर हेल्थ इश्यूज। एंड ये स्टार्ट विद देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो उनका इंटेस्टाइन है वो धीरे धीरे उसका बिगड़ जाता है, सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। दैट इज व्हाई नेवर एवर पूजा रूम वॉल शुड बी अटैच और कनेक्टेड, और दैट शुड नॉट बी अ कॉमन वॉल फॉर द टू द टॉयलेट, ओके, टॉयलेट एरिया। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। और पूजा घर का रूल है कि कीप द रूम मैक्सिमम एम्प्टी, डोंट स्टोर मेनी थिंग्स इन द पूजा रूम। व्हाई? बिकॉज वहां का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। तो ये हमारा पूजा घर का ये हो गया सेक्शन कंप्लीट। कलश का हम बाद में लेते हैं, कलश का अलग से पोर्शन होता है। हेलो मैम। यस, मैम असं काय असतं का की देवाला जब बॅक साईड ला वॉलच असली पाहिजे किंवा असं आपण ओपन स्पेस मध्ये ठेवू शकतो देवाला असं काय असतं का? हो, कुठल्याही गोष्टीला जसं आपल्याला, आपण बसतो तेव्हा आपल्याला सपोर्ट बॅकला पाहिजे ना,
जसं जर का तू गोवारा अधान तरी ठेवला ना, ओके तू एनर्जी अगेन मागे पण जाते ना. अच्छा रूम का एनर्जीचा काय रूल आहे की जिथे जागा मिळते, गॅप आहे, तिथे एनर्जी निघून जाते. ठीक आहे, तर देवाऱ्याला आपण मागे हे का देतो, तर आपण समोर बसले असतो आणि ते एक्झॅक्ट समोर आपल्याकडे ही ऊर्जा मिळावी. ग्लास पार्टीशन वगैरे असलं असं काही, ग्लास ठीक आहे, काही मागे सपोर्ट द्यायचा, मार्बल म्हणजे सपोर्ट सपोर्ट असला पाहिजे ना, म्हणजे सपोर्ट असलाच पाहिजे असं बॅक साईडला, पण बंद असलं पाहिजे, क्लोज असलं पाहिजे, हो पाठी मागून बंद पाहिजे. आणि मार्बल कसं होतं इंटेरियर्स मध्ये, मग मार्बलची वॉल एक द्यायची. ओके, यूज ऑलवेज यूज व्हाइट मार्बल फॉर टेम्पल. ओके ओके ओके, शुभ्र कलर. ओके, नॉट शुभ्र कलर, मार्बलची जी प्रॉपर्टीज आहेत ना केमिकल, दे आर व्हेरी ओके ओके ओके, दॅट हेल्प द एनर्जी सर्क्युलेट दॅट गो. ओके ओके, थँक्यू. थंड पण असतो, तुम्ही मार्बलच्या फरशीवर चालून बघितलं ना, एनी काइंड ऑफ अदर ग्रेनाइट और एनी काइंड ऑफ कोटा, त्यापेक्षा मार्बल खूप गार आणि थंड असतो. ओके, आणि मार्बल वॉटर एलिमेंटचा येतो म्हणून मार्बल नॉर्थ ईस्ट मध्ये असावा. नॉर्थ ईस्ट दरवाजा असेल त्याच्या समोरही मार्बलची एक लादी बसवायची. ओके ओके, ठीक आहे. अजून काही आहे का? मी 2 मिनिट थांबतो, तेव्हा तुम्ही विचार करा. येस मॅम, येस मॅम. मिरर्स, नो मिरर्स इन द पूजा रूम. अँड वन मोर पॉइंट इज देअर की बहुत सारे आयडल्स नाही रखते. गणपती हो गए, 4-5 गणपती आ गए, विष्णु है तो 4-5 विष्णु आ गए. होलसेल में भगवान को कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है. हाँ, तो विचार है तुझे. हाँ, मैं ऐसा एक ले कि दोन देवर असले असले पाहिजे, म्हणजे दोन सेम देव एका देवर असले. असा वेतेस म्हटलं ना की यू शुड प्लेस ओनली वन आयडल. येस, व्हाय यू नीड, बिकॉज दॅट इज द एनर्जी ना, व्हाय यू वॉन्ट सो मेनी. कॉन्स्टिट्यूट इज एज अ गॉड, और इसको इसी तरह से, और गॉड में वहां पे भी डिविजन दिए ना, हमारा जो इंडियन कल्चर में हिंदू शास्त्र में उसको डिविजन दिए, उसको रोल है, पर्पज है उनको. जैसे ब्रह्मा है क्रिएटर, विष्णु है वो प्रोटेक्ट करता है, पालन करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट है, और शिव तत्व क्या है, वो आपको मोक्ष देता है. कोई भी चीज जो जन्म लेती है पृथ्वी पे, कोई भी, उसको खत्म होना है, एक दिन निकल जाना, तो वो जो प्रोसेस है वो शिवा के हाथ. क्रिएशन, प्रोटेक्शन, नर्चरिंग इज विथ विष्णु, क्रिएशन इज ब्रह्मा एंड शिवा इज शिव तत्व. तो इसको इस तरीके से, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर नहीं है और शिव जो है उनकी मूर्ति भी नहीं. व्हाय? बिकॉज क्रिएशन तो हो गया, हमें क्रिएशन हो गया तो हमें जरूरत नहीं उनकी पूजा करने. ब्रह्मदेव का कहीं भी आपको मंदिर बहुत रेयरली दिखे. शिव जो है मोक्ष है वो लिंग स्वरूप में है, लिंग का जो ओम से जुड़ा हुआ है वो मोक्ष आसानी से देता है. विष्णु है या गणेश जी है बुद्धि के कारक है, देवी सारे देवी में शक्ति है, तो इनको इसी तरह से आप देखो. और जैसे आपको जरूरत है, अभी सपोज आपको करियर करना है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो स्टार्ट वर्शिपिंग गणेशा. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इम्यूनिटी लो है, शरीर में ताकत नहीं, तो हु इज द गॉड फॉर दैट? मारुति, हनुमान, है ना. तो उसी तरीके से आप अगर करते हो ना, तो रिजल्ट आपको अच्छे आते ही है. बैठ okay, बहुत सारे एडल्ट नहीं होने थे. ओके, एक एक सफिशियंट है. आप ऐसा गर्दी नहीं कर, भीड़ नहीं कर. मैम ब्रेक देता है तुम्हें? हाँ, 2 मिनिट ब्रेक घेऊया, तुम्ही थोडा विचार करा, काही प्रश्न असतील विचारायचा आहे, बट तुम्ही ब्रेक घेऊन घ्या, मी विचार. ठीक आहे, नाही नाही चालेल, विचारलं मी तुम्हाला ब्रेक बोला म्हणून. मी तुम्हाला विचार, तुम्हाला एकदम नको ना होण्यासाठी, बरं ज्यादा एकदम सारे असे नाही ना, थोडासा. ओके, मग विचारू का? हा, जे देवाचं स्ट्रक्चर असतं मॅम, जसं की तुम्ही आता बोललात की मार्बल मध्ये असलं पाहिजे, ठीक आहे. आता मोस्ट ऑफ ठिकाणी बघतो आपण काय, आता पीव्हीसीचे जास्त चालतात, बरोबर, पीव्हीसी मध्ये बनतायत आता देवघर, ठीक आहे.
मी असं ऐकलंय म्हणजे भरपूर ठिकाणी मी बघितलं सुद्धा आहे की ते सांगतात की पीव्हीसी मध्ये किंवा म्हणजे अदर जे मटेरियल मध्ये बनवणार समजा ते व्हाईट कलरचं असलं पाहिजे, त्यातून मंदिर जे असतं ते टिकूडचं असलं पाहिजे, म्हणजे आपण जे सागवान म्हणतो सागवान तर लाकडाचं असलं पाहिजे मंदिर, असं काय असतं का? वास्तुशास्त्र, ऍज पर वास्तुशास्त्र अँड ऍज पर इवन यू कॅन से द सायन्स, यू नो यू शुड ऑलवेज स्टे व्हाय the temple should be either of made of the marble or wood. Wood that too Devdar. Devdar has very good energies and Tag. Tag or Shisham. Only three woods are allowed. No okay. other commercial ply or जो भी अभी आता है ना नया. Yes ma'am, मैं देखता हूँ. बिकॉज ते कसं पीव्हीसी मध्ये कसं वेगवेगळ्या डिझाईनिंग मध्ये कटिंग वगैरे करून भेटतात, सीएनसी कटिंग करून भेटतात, ते शो म्हणून एक चांगलं वाटतं. बट ते म्हणतो ना आपण की मंदिर असलं कसं पाहिजे, आता बघतो जुने मंदिर असतात लाकडाचे असतात घरांमध्ये वगैरे वगैरे. देवदार पॅनलिंग यू कॅन, इफ यू वॉन्ट अ मार्बल टेम्पल यू कॅन डू दॅट देवदार पॅनलिंग इन दॅट रूम, दॅट लुक्स व्हेरी ब्युटिफुल अँड क्रिएट्स द energy swimming. So Devdar has very good quality. All of you now study the properties of this wood and everything. So nowadays okay. people are using different kind of plies and those are all learned from the China. That is all temporary. So abhi hum mandir dekhte purane 2000 saal ki age hai. आप पढ़ो की वर्ड है अभी आ रहा है, फोन आया था. तो ये टेम्पल में जो भी यूज किया है उनको ज्यादा ज्ञान था, हमसे ज्यादा वो एडवांस थे. उन्होंने सही तरीके के वुड का यूज किया था और उनको पता है कि कौन से वुड की, कौन सा वुड यूज करते, लकड़ी यूज करते उससे क्या होगा, कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्योंकि एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी. हर एक का अपना फिजिकल केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसमें, और उस तरीके से उसका यूज कैसे करना ये आपको पता होना चाहिए. तो बाकी फर्निशर कोई भी प्लाई यूज करो, बट फॉर टेम्पल ओनली मार्बल, साग, देवदार एंड शीशम. विच वन? मार्बल, साग, शीशम एंड देवदार, ओनली फोर. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. Now let us take a 2 minutes break. You all just think and we will ma'am go to the next. Yes. Ma'am, मी असं ऐकलंय की दो घराचा मुख्य असतो त्याचा अंगठे इतकेच मूर्ती असल्या पाहिजे, असं काही आहे का? असं नाहीये, ते पूर्वीच्या काळी हे केलं होतं, पण घर में जो मूर्ती हमारी होनी चाहिए, कोई भी मूर्ती है वो जिसको एक वीत बोलते ना, जो हमारे अंगूठा और वो छोटी वाली उंगली है उसका, जिसको बोलते हैं ना एक वीत, उतना ही होना चाहिए. दैट मीन्स मैक्सिमम 8 इंचेस का होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. टेम्पल में जो भी रखते हो, और घर में अगर बड़ी मूर्ति रखनी है तो वो भी 12 इंचेस से ज्यादा ना हो, 1 फीट से ज्यादा कभी भी नहीं रखना है. इसका लॉजिक ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं होती है. सुबह का सूरज देख सकते हैं क्या? जब भी 12 बजे का सूरज देख नहीं सकते ना हम लोग ऐसे खुले आंख से, है ना? क्योंकि उसका उसका जो ऊर्जा तत्व है बहुत तीव्र होता है और हमारी आंखों को वो सहन नहीं होता. इसी तरीके से ईश्वर की भी मूर्ति है, उसमें जितनी भी ज्यादा ऊर्जा होती है वो हम सहन नहीं कर पाते. तो कितना? मैक्सिमम 12 इंच फॉर बिग आइडल. Yes. And this is not applicable for photographs. Photo आप कितना भी बड़ा रख सकते हो. Okay. Okay ma'am, thank you. Yes. Okay ma'am. होना चाहिए अभी जो आप बता रहे थे ना के लिए. हाँ, जो भी आइडल्स है मंदिर में जो रखते हैं वो मैक्सिमम 18
जो 8 इंच 12 इंच से कम होना चाहिए, नॉट मोर देन 12 इंच, कोई भी आइडल। मैम देवघराची पण हाइट आणि बूट कसे ना? और वो मंदिर होता है ना उसको जो क्या बोलते हैं उसको, कलश ऊपर ऐसे कलश होता है ना, जैसे बड़े मंदिर को होता है वैसे घर के मंदिर में नहीं होता, वाय बिकॉज वो सारी ऊर्जा आकाश में नहीं तो चली जाती। और कुछ डाउट है अभी? मैं मैम मंदिर बोलती कमीत कमी किती उंचीच असलं पाहिजे? मंदिराला हाइट विड्थ असेल ना, मंदिराला हाइट विड्थ किती करू शकता तुम्ही, त्याचं काही नाही, ऍज पर व्हॉट यू नो यू कॅन डिझाइन द साईज ऍज पर द रूम साईज। जो एरिया है उतना ऐसा नहीं कि पूरा भर दो, प्रोपोर्शन में होना चाहिए कुछ भी, तो दैट एनर्जी सर्कुलेशन अच्छे से हो। ऐसे ऐसे देखा है कि लोग मंदिर बहुत बड़ा बनाते हैं, हाँ, और उसमें भगवान की सारी छोटी छोटी मूर्तियां होती है, लेकिन बाकी जिसको मराठी में बोलते ना पसारा, वो सब रखने के लिए उधर ही लाके रख देते, कुछ भी मिला कुछ भी गिफ्ट मिला रख दिया वहां पे, या वहां से, तो वो क्लटर वहां पे ना हो, इट शुड बी वेरी वेल डिजाइन ऑर्गेनाइज सिस्टमाइज, ठीक है। नाउ हम लोग अभी देखते लिविंग रूम को कैसे कैसे होना चाहिए एज पर वास्तु एंड इंटीरियर का। तो लिविंग रूम कहाँ पे होना चाहिए? ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ में, ये चार जोन में होना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लिविंग रूम में टाइम स्पेंड करते हैं मैम दिन का, दिन भर का। यस, एक बार ये वापस रिपीट करो ना ये डायरेक्शन लिविंग रूम का। लिविंग रूम शुड बी इन द ईस्ट और इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ जोन। मैम ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन दोनों, दोनों अभी अभी घर घर के के चार चार किसी किसी भी भी जगह जगह के के चार चार हिस्से हिस्से करते करते हैं, हैं, उसमें उसमें ईस्ट ईस्ट आता आता है है, जोन जोन नॉर्थ नॉर्थ आता आता है, है, साउथ साउथ आता आता है, है, वेस्ट वेस्ट आता आता है, है, ठीक ठीक है। है। तो ओके, उसमें तो ईस्ट ईस्ट और और नॉर्थ नॉर्थ जोन जोन में में उसका उसका प्लेसमेंट प्लेसमेंट होना होना चाहिए, चाहिए, घर घर का का जो जो ईस्ट ईस्ट या या नॉर्थ नॉर्थ पोर्शन पोर्शन है है वहां वहां पे पे लिविंग लिविंग रूम रूम होना होना बेटर बेटर होता होता है। है। और और अगर अगर डायगोनल डायगोनल है है घर घर तो तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में में सबसे सबसे बेस्ट बेस्ट है। है। क्यों क्यों ऐसे ऐसे होगा? होगा? कोई कोई रिप्लाई रिप्लाई करेगा, करेगा, कोई कोई जवाब जवाब देगा? देगा? पीछे 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 लॉजिक लॉजिक क्या क्या है? है? मैम मैम माझ्या माझ्या माहितीप्रमाणे माहितीप्रमाणे लिव्हिंग लिव्हिंग रूम रूम जे जे तुम्ही तुम्ही डायरेक्शन डायरेक्शन सांगितलं सांगितलं ना, ना, त्या त्या डायरेक्शनला डायरेक्शनला पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह एनर्जी एनर्जी जास्त जास्त असतात, असतात, येणाऱ्या येणाऱ्या म्हणजे म्हणजे येणारी येणारी दिशा दिशा आहे आहे ती, ती, हवेची हवेची दिशा दिशा बोलतो बोलतो आपण आपण ना, ना, मान्सूनची मान्सूनची दिशा दिशा आहे, आहे, ठीक ठीक आहे आहे ना, ना, निगे निगे तिकडे तिकडे जर जर बेडरूम बेडरूम असेल असेल तर तर काय काय फरक फरक पडतो, पडतो, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह झोन झोन मध्ये मध्ये बेडरूम बेडरूम असेल असेल तर तर काय काय फरक फरक पडणार? पडणार? तुम्ही तुम्ही एक एक पॉइंट पॉइंट वापरला वापरला ना ना आता आता की की जास्त जास्त वेळ वेळ आपण आपण लिव्हिंग लिव्हिंग रूम रूम मध्येच मध्येच टाइम टाइम स्पेंड स्पेंड करतो करतो वगैरे वगैरे वगैरे, वगैरे, त्यातला त्यातला एक एक प्रकार प्रकार असू असू शकतो शकतो त्यात, त्यात, बिकॉज बिकॉज त्या त्या दिशेला दिशेला पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह एनर्जी एनर्जी जास्त जास्त असतात असतात ना, ना, म्हणजे म्हणजे येणारी येणारी जी जी ऊर्जा ऊर्जा असते असते ती ती पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह असल्यामुळे असल्यामुळे हा एक हा प्रकार एक असू प्रकार शकतो। असू हे शकतो। हे झालं, झालं, इसका इसका रीजन रीजन ये ये है है कि कि हमने हमने देखा देखा है है सन सन स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग एंड एंड मून मून स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग, तो तो सन सन स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग की की डायरेक्शन डायरेक्शन कौन कौन सी सी है? है? ईस्ट ईस्ट से से सूर्य सूर्य उदय उदय होता होता है, है, साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट में में जाके जाके फिर फिर साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में में जाके जाके वेस्ट वेस्ट में में जाके जाके सनसेट सनसेट होता होता है, है, ठीक ठीक तो तो जो जो भी भी हम हम दिन दिन में में जो जो भी भी काम काम करते करते हैं हैं उसमें उसमें सूर्य सूर्य की की ऊर्जा ऊर्जा जरूरी जरूरी होती होती है, है, रन रन का का स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता होता है। है। और और जिसमें जिसमें क्रिया क्रिया शक्ति शक्ति जिसको जिसको बोलते बोलते हैं हैं सूर्य सूर्य पे, पे, क्रिएटिव क्रिएटिव एनर्जी एनर्जी इंसान इंसान को को चाहिए, चाहिए, वो वो ये ये सन सन स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग के के जोन जोन में में मिलती मिलती है। है। दैट दैट इज इज व्हाई व्हाई यहाँ यहाँ पे पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 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 इसमें इसमें लिविंग लिविंग रूम रूम होना होना अच्छा अच्छा होता होता है। है। बरोबर। बरोबर। और और बेडरूम बेडरूम कहाँ कहाँ पे पे होना होना चाहिए? चाहिए? जहाँ जहाँ पे पे मून मून स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग है, है, दैट दैट मीन्स मीन्स हमें हमें वहाँ वहाँ पे पे शांति शांति चाहिए। चाहिए। मून मून जो जो है, है, चंद्र चंद्र जो जो है, है, मन मन का का भी भी कारक कारक है, है, तुम्हारा तुम्हारा मन मन है है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली शांत शांत रहता रहता है। है। वहाँ वहाँ पे पे डिस्चार्ज डिस्चार्ज जोन जोन है, है, तो तो जो जो भी भी हमारे हमारे दिन दिन भर भर के के बुरे बुरे विचार विचार है, है, बुरा बुरा जो जो भी भी कर्माज कर्माज है, है, वो वो आसानी आसानी से से वहाँ वहाँ पे पे जाके जाके डेसिपेट डेसिपेट हो हो जाते जाते हैं हैं और और हम हम शांति शांति से से सो सो जाते जाते हैं, हैं, वहाँ वहाँ पे पे अंधेरा अंधेरा होता होता है। है। ओके ओके तो तो क्रिएटिव क्रिएटिव एनर्जी एनर्जी लिविंग लिविंग
लिविंग रूम में होनी चाहिए, दैट इज व्हाई इट शुड बी इन द ईस्ट जोन, ईस्ट सबसे बेस्ट पोजिशन, ठीक है। अभी जो फ्लोरिंग का स्लोप है वो भी ऑलवेज या तो नॉर्थ में हो या फिर ईस्ट में, तो स्लोप ऑफ द फ्लोरिंग ऑफ द लिविंग रूम शुड बी इन द ईस्ट और इन द नॉर्थ। मैम रिपीट एक बार। यस द स्लोप ऑफ द फ्लोरिंग, मैम रिपीट, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, द स्लोप ऑफ द फ्लोरिंग ऑफ द लिविंग रूम शुड बी इन द ईस्ट और इन द नॉर्थ। ईस्ट एंड नॉर्थ और इन द नॉर्थ। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? एनीवन हैज क्वेश्चन? हाँ, एक्चुअली स्लोप नॉर्थ एंड ईस्ट में ही क्यों होना चाहिए? नॉर्थ एंड ईस्ट में होना चाहिए क्योंकि जो भी एनर्जी का बहाव वही होता है ना, फ्लो ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लोअर साइड। That is why. उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? तो नॉर्थ और ईस्ट में अगर झुकाव नहीं, मतलब साउथ और वेस्ट में अगर स्लोप है, तो नॉर्थ और ईस्ट की जो भी एनर्जी आती है वो जल्दी जल्दी वहां से निकल जाएगी, वो घर में नहीं रहेगी, ठीक है। That is why यहाँ पे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलेशन अच्छा रहता है, वो क्रिएटिव एनर्जी रहती है। ये तो बाय डिफॉल्ट रूल है, लेकिन अभी के जो भी फ्लैट सिस्टम है, घर है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें इतना स्लोप अलाउड नहीं होता है। मैक्सिमम 1 या 2 इंच का स्लोप है, बट उतना भी ले सकते हैं। ओके, और लिविंग रूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो लिविंग रूम शुड नॉट बी इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट ना? हाँ, लिविंग रूम शुड नॉट बी इन द साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द रूम। ओके, साउथ का मतलब लिविंग रूम, द डोर ऑफ द लिविंग रूम, द डोर ऑफ द लिविंग रूम शुड नॉट बी इन द साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दरवाजा नहीं हो, लिविंग रूम की जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की वॉल है वहां पे दरवाजा नहीं होना चाहिए। मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना। द डोर ऑफ द लिविंग रूम शुड नॉट बी इन द साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैम जर असले तर याचा सोल्यूशन असेल ना काही? रेमेडीज असतात, ते नाही आहे त्याच्यामध्ये, पोर्शन मध्ये नाही। साउथ ईस्ट आणि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्टर्न अँड द वेस्टर्न डोअर्स आर कन्सिडर्ड ॲज ऑस्पिशियस फॉर द लिव्हिंग रूम। सब लोग म्यूट हो जाओ, डोंट अनम्यूट युअर सेल्फ अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू। आई विल रिपीट, जस्ट म्यूट युअर सेल्फ, आई विल रिपीट एवरी टाइम नाउ। द डोर ऑफ द लिविंग रूम शुड नॉट बी इन द साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वॉल। द ईस्टर्न and the western doors are very auspicious for living room. Eastern and western doors are very auspicious for the living room. Why? Because वहां पे क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, और वेस्ट कैसी दिशा है? बिजनेस की दिशा है, रिलेशनशिप की दिशा है, इसलिए लिविंग रूम का दरवाजा वेस्ट में हो तो भी अच्छा माना गया है। नाउ कंसीडरिंग द इंटरनल फर्नीचर, शोकेसेस एंड अदर हेवी आर्टिकल्स
should be in west or in the south direction. For the internal furniture, showcases and other heavy articles should be in the west or in the south direction. The sitting arrangement. The sitting arrangement for the head of the family should be facing towards east direction. Or in the north direction. So the head of the family should face in the east direction or in the north direction. Whenever he is sitting in the living room or dining area. The next point is, as far as possible, a TV should not be placed on the south or southwest wall. As far as possible, a TV should not be placed on the south or southwest wall. Any other direction or any other wall is allowed. Why? Because while watching the TV, especially in the night time or evening time, whoever is watching that TV, he will be facing towards the south direction or southeast direction. So that is why. See, while watching the TV, any person will face south or southwest direction, which is not good for that person. That is just like the temple, we are using the same logic here. When the TV is in the right wall, right direction, the person will be always sitting for hours facing towards the cosmic direction. Except south and southwest, any direction can be considered. When the TV is placed in the southwest or west, especially southwest, whatever there is, you keep in southwest direction, any article, any electronic article, that means, be it TV or be it anything, that will create maintenance problem. साउथवेस्ट इज वहां पे यम या बहुत ज्यादा दिशा डायरेक्शन है, वहां पे केतु की सत्ता होती है. केतु क्या करता है, कट करता है, कम करता है, उसको पार्टिकल्स में ऐसे जिसको बोलते ना कि उसको इरोजन होता है, उसको चीज का जल्दी 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 वो चीज खत्म हो जाती है. दैट इज वाई जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उसको साउथवेस्ट में नहीं रखना है. पैसे का भी आप अगर आप साउथवेस्ट में रखते हो, गूगल वास्तु में बता दे, साउथ वेस्ट में आप तिजोरी रखो, साउथ में रखो और उसका फेसिंग नॉर्थ में करो, क्या होगा? वहां पे केतु है, डिस्चार्ज एनर्जी, तो पैसा आएगा लेकिन खर्च हो जाए, है ना? सो टीवी शुड नॉट बी इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर. अच्छा, टेलीफोन या मोबाइल चार्जिंग कहाँ पे हो एज पर इंटीरियर वास्तु? एनीवन कैन रिप्लाई. Unmute yourself and reply. Anyone can answer. Why the telephone charging point, that is a part of interior vastu again. Why it is so important? Mobile has been our basic necessity now. Telephone, mobile is a communication channel. We are connecting with the outer world. With this mobile, and that is always good when it is placed in the east zone.
मोबाइल चार्जिंग है या मोबाइल कुछ भी आपको कुछ करना है तो ईस्ट में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में कम्युनिकेशन का मतलब शुक्र का होता है, तो फॉर मोबाइल साउथ ईस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन आर बेस्ट, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। नो मोबाइल रिलेटेड एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स शुड बी प्लेस्ड इन द साउथ वेस्ट जोन। जो भी अलमारियाज या हेवी फर्नीचर है, एनी हेवी फर्नीचर शुड बी प्लेस ऑन द साउथ वॉल ऑफ द लिविंग रूम। एनी काइंड ऑफ हेवी आइटम, एनी काइंड ऑफ हेवी फर्नीचर शुड बी प्लेस्ड इन द ऑन द साउथ वॉल ऑफ द लिविंग रूम। अवॉइड सर्क्यूलर और ट्रेंगुलर और ऑड शेप फर्नीचर इन द लिविंग रूम। अवॉइड सर्क्यूलर ट्रेंगुलर एग शेप ओवल शेप और एनी ऑड शेप फर्नीचर इन द लिविंग रूम। One important point is there, while arranging the sofa, while arranging the sofa or sitting area, take care that the beams running overhead are not exactly above the sofa. The beams, जो भी ऊपर जो beams होते हैं ना, वो सर के ऊपर नहीं आने चाहिए। कोई भी इंसान अगर किचन में काम करता है या सोफा पे बैठता है या फिर बेड पे सोता है तो उसके ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया? देर शुड नॉट बी एनी रनिंग बीम ओवर हेड ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, स्लीपिंग ऑन द बेड और द वुमन वर्किंग ऑन द किचन प्लेटफॉर्म एरिया। इससे क्या होता है, शोल्डर पेन, नेक पेन, हेडेक, ये सारा हो जाता है, क्योंकि वहां से मैग्नेटिक एनर्जी जो अर्थ की टेलुरिक एनर्जी कहाँ से फ्लो होती है, पिलर से और बीम से। और मैग्नेट, हमारा शरीर मैग्नेट है, तो वी कीप ऑन एब्सॉर्बिंग दैट एनर्जी ऑल द टाइम, बट उसका इफेक्ट सालों के बाद में नजर आता है, अरे ये क्यों हो गया। तो ये बीम की वजह से, पिलर की वजह से होता है। ये समझ में आ गया पॉइंट? थोड़ा हेवी है, बट यू नीड टू कंसिडर सच थिंग। अभी जो भी फर्नीचर बनाते हैं उसमें मॉडर्न काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यू कैन डिजाइन, बट उसमें क्रैक्स नहीं हो या फिर ऐसे पीसेस में बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। डोंट यूज एनी फर्नीचर दैट इज मेड ऑफ द पीसेस और क्रैक्स, सच होल्स, ये नहीं होना चाहिए। वैसे डिजाइन ही अवॉइड करना है आपको। ओके, अगर बंगलो में स्टेयर केस है तो वो ऑलवेज इट शुड बी ऑन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट गुड फॉर स्टेयर केस। साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, जो भी हेवी है जैसे ओवरहेड वाटर टैंक हो गया, स्टेयरकेस हो गया, या फिर वो माला बनाते हैं बड़ा सा, तो ऐसे सभी हेवी जो आइटम्स होते हैं सब कुछ वो साउथ या वेस्ट में होना अच्छा है। साउथ वेस्ट इज द बेस्ट पोजिशन, ऑटोमेटिकली वहां पे लोड आ जाता है, वहां का निगेटिव एनर्जी का सर्कुलेशन घर में एफेक्ट नहीं करता है।
बाकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अगर नहीं है तो करने के लिए बोलते हैं कभी कभी, रेमेडीज में वहाँ पे हम लोग बोलते हैं वहाँ पे टंस में कुछ तो रख दो जाके। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि बेडरूम को कैसे वास्तु के अनुसार कैसा बेडरूम होना चाहिए। तो बेडरूम कौन से जोन में होना चाहिए? कैन एनीवन रिप्लाई व्हाट इज द गुड पोजीशन फॉर बेडरूम? नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट में लिविंग रूम आएगा ना। सोचो 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 सोचो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नॉर्थ कभी जाओगे वेस्ट में ना मैम? नहीं, वहाँ पे एयर एलिमेंट है। बेडरूम हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए। तत्व वहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट में होना अच्छा होता है ऑलवेज। जो यंग कपल है जिनको शादी हुई है अभी, बच्चों का जन्म होना बाकी है, दे आर प्लानिंग फॉर चाइल्ड बर्थ एंड ऑल, और उनको करियर भी उनका चल रहा है, जॉब है, ऐसे कपल के लिए ऑलवेज साउथ वेस्ट या साउथ में होना बेटर होता है। ओके, और जो भी ऐसे लोग हैं या सीनियर सिटीजन है जिनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या उनका जो भी है उनके बच्चे सेटल हो गए अभी, कुछ भी लाइफ में बस पूजा पाठ करना है, बच्चों को देखना है, शांति से रहना है, इनके लिए बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में इनकी बेडरूम रखते हैं तो इनकी हेल्थ अच्छी रहती है, मेडिकल इश्यूज एज कम्पेयर कम हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? यस मैम। सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन ना मैम? यंग कपल के लिए साउथ और इसमें साउथ और साउथ वेस्ट में होना अच्छा होता है फॉर यंग कपल। द बेडरूम शुड बी इन द साउथ वेस्ट और साउथ जोन फॉर एनी यंग कपल हु आर प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन, मिडिल एज, हु आर मिडिल एज एंड अर्निंग फॉर द फैमिली। यंग कपल हु आर प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन, who are earning members and who are middle aged. And bedroom for senior citizen should be in the northeast or northwest. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, तीनों भी चले। और जो चिल्ड्रन होते हैं मैम घर में बच्चे, उनके लिए लड़का बेटा होता है उसके लिए साउथ ईस्ट, क्योंकि वहां पे अग्नि तत्व होता है, कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में, ये सब। साउथ ईस्ट इज बेस्ट फॉर मेल चिल्ड्रन। नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे मून स्विमिंग है, नॉर्थ वेस्ट इज गुड फॉर डॉटर्स इन द फैमिली। नॉर्थ वेस्ट बेडरूम इज गुड फॉर फीमेल या डॉटर्स इन द फैमिली। गेस्ट रूम कहाँ पे होना चाहिए? पर क्यों होना चाहिए? कैन एनीवन रिप्लाई? कुंदन आप जवाब मत दो, आप जानते हो, आपने पढ़ा है, बाकी सब लोग जवाब दो, कोई भी। गेस्ट आके घर में जाएंगे नहीं, अच्छा लगेगा उनको, वही रहेंगे। तो गेस्ट रूम हमेशा कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, क्योंकि वहां पे एयर एलिमेंट है। डॉटर्स को भी वो जोन क्यों दिया है? कि बेटियों की जल्दी जल्दी शादी हो जाए, अपने घर में खुशहाली से रहे।
तो गेस्ट के लिए और डॉटर्स के लिए नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट पोजिशन, वहाँ पे बेडरूम होना चाहिए और वेस्ट में भी गेस्ट रूम होता है तो अच्छा होता है. तो फॉर द गेस्ट रूम शुड बी प्लेस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट एरिया ऑफ द हाउस. गेस्ट रूम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. मास्टर बेडरूम शुड नॉट बी इन द ब्रह्म स्थान. मास्टर बेडरूम शुड नॉट बी इन द ब्रह्म स्थान सोन. व्हाट हैपेंस, वो एक की डेथ हो जाती है. अगर ब्रह्म स्थान में मास्टर बेडरूम आ गया तो अनटाइमली डेथ ऑफ द वन मेंबर ऑफ द कपल कैन बी सीन. And if the master bedroom is placed in the north or northeast zone, childbirth for that couple will become challenging. Ma'am, एक बारी वापस repeat करो ना. If the master bedroom is placed in the north or northeast zone. Then a married couple have to go through medical treatment for childbirth or childbirth is delayed. Delayed होता है बच्चा या फिर बच्चा होने के लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जल तत्व आता है. तो कोई भी बीज जो होता है अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होगा, उसका पेड़ बनेगा क्या? नहीं बनेगा. जर्मिनेशन उस वहां पे नहीं होता है. तो जल तत्व में अगर मास्टर बेडरूम है तो वहां पे यंग कपल है तो वो जर्मिनेशन का चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है. दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज कि उनका जो मास्टर बेडरूम है मैरिड कपल के लिए वो पृथ्वी तत्व में ही होना चाहिए और परिपोषण प्रजनन आराम से हो जाता है. नेचुरली नेचुरल एनर्जीज उसको साथ देती है, सपोर्ट कर. ये समझ में आ गया? आगे आगे पढ़े. यस यस. अभी बेडरूम में कैसे स्लीपिंग पोजीशन कैसी हो ये देखते हैं. स्लीपिंग पोजीशन फॉर यंग कपल. स्लीपिंग पोजीशन फॉर यंग कपल, द हेड शुड बी इन द साउथ जोन, साउथ वॉल. एंड द लेग्स शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ वॉल, नॉर्थ डायरेक्शन. Heads towards south and legs towards north. इससे क्या होगा? Prosperity आएगी. Sleeping with legs towards south brings prosperity and stability in their lives. Now sleeping with the legs towards east gives name fame. Towards east ke baad kya ma'am? It gives name and fame. Naam hota hai unka samaj mein. Acha. अच्छे से. इफ द लेग्स आर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन इट गिव्स मेंटल पीस एंड दे स्टार्ट लाइकिंग फॉर स्पिरिचुअलिज्म. स्लीपिंग विद लेग्स टुवर्ड्स वेस्ट गिव्स मेंटल पीस एंड
स्टार्ट लाइकिंग स्पिरिचुअलिज्म, बिकॉज वहां पे एयर एलिमेंट की तरफ उनके पैर होते हैं, तो दे एब्सॉर्ब एयर एलिमेंट ज्यादा, रोज स्पिरिचुअल की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है. स्कीपिंग विद नॉर्थ हमने देखा. साउथ में पैर रखते तो क्या होता है, सबसे वर्स्ट होता है. इफ एनीवन स्लीप विद द लेग्स टुवर्ड्स साउथ, इफ एनीवन स्लीप्स विद द लेग्स टुवर्ड्स साउथ, दे विल नॉट गेट साउंड स्लीप. They will not get के आगे they will not get sound sleep. They will experience bad dreams. They will experience bad dreams. And they will not prosper in their life. They will not prosper in their life. A person sleeping with the legs towards south experience heaviness in the chest. Experience heaviness in the chest. कोरोना में देखा गया है कि जो लोग ऐसे जिनकी सोने की पोजीशन या आदत है ना, उनको ज्यादा कोरोना का इफेक्ट हो गया. प्रैक्टिकली देखा है. व्हाट हैपेंस साउथ में कौन सी देवता का स्थान होता है, यम होता है. और शायद आपको पता है, आई डोंट नो, बट डेड बॉडीज लेग्स आर ऑलवेज केप टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन. मृत्यु के बाद में इंसान को ऐसे सुलाते, दक्षिण में उनके पैर होते, वो बॉडी को ऐसे रखते. Why? Because वो डिस्चार्ज डायरेक्शन से प्राण उनके जल्दी से निकल जाए, क्योंकि वो यम की दिशा है, तो वहाँ पे वो नॉर्थ में उसका सर होता है, निकल जाते जल्द. हाँ, नॉर्थ में सर होता है, तो हमें वो पोजीशन में कभी भी वो एडवाइजेबल नहीं है. और अगर कोई बच्चे है छोटे, सपोज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, और इफ दे आर फेसिंग और दे आर स्लीपिंग इन दिस वे, तो उनको क्या होता है, साइकोलॉजिकल मेंटल सिकनेस आ जाती है. तो चिल्ड्रन ऑल्सो शुड नॉट बी स्लीपिंग इन सच पोजिशन, दे फेस मेंटल सिकनेस एंड वियर्ड बिहेवियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होना, ये सब बच्चों में दिखाई देता है. तो क्या सोचते हैं सब लोग, अरे ऐसा क्यों कर रहा है ये, लेकिन उसका रीजन ये होता है कि उसकी स्लीपिंग पोजीशन करेक्ट नहीं होती है. व्हाट हैपेंस, यू नो, दिन भर हम खड़े रहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स से हम सारी ऊर्जा जमीन से लेते हैं. कोई भी आजू बाजू में हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, वी कीप ऑन एब्सॉर्बिंग एवरीथिंग. हम लोग बहुत कुछ खाते हैं दिन भर, जंक फूड होता है, ये सब जो भी एब्सॉर्ब करते हैं बाय फाइव सेंसेस, फूड है, वाटर है, उसका जो परिणाम होने का समय है, टाइम है, वो रात को होता है. डाइजेशन होता है रात में होता है. हम जो भी दिन भर सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कभी जाता है, रात में जाता है. तो ये प्रोसेसिंग का समय, जिस टाइम में बॉडी का हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, व्हेन वी आर इन द स्लीपिंग पोजीशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी इज कम्प्लीटली चेंज्ड. और वो टाइम चर्निंग होता है थॉट्स का, सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे डाइजेशन, इंटेस्टाइन काम करते हैं, ये सब सिस्टम होते हैं. और दैट इज व्हाई वी शुड बी स्लीपिंग इन अ राइट पोजिशन टू अवॉइड मेनी हेल्थ इश्यूज, मेनी थिंग, थॉट पैटर्न्स वगैरह. समझ में आ गया साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ दिस? तो कैसे कोई, ये इसमें आप इस ऐसे प्रोफेशन में हो कि यू कैन क्रिएट अवेयरनेस इन पीपल्स माइंड. ये अवेयरनेस हम कुछ भी बिना सोचे करते रहते दिन भर, हमें अवेयरनेस नहीं होता है, और हम सोचते नहीं कि हम ये करें तो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है. तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने का भी आप काम कर सकते हो, आपसे पहले होना चाहिए. ओके,
अच्छा अच्छा बेडरूम में नॉर्मली देखा गया कि ड्रेसिंग टेबल होता है ना, तो ड्रेसिंग टेबल कहाँ पे हो, या कोई भी मिरर्स के लिए रूल है कि कोई भी मिरर्स है वो नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में अच्छे होते हैं, दैट मींस एनी मिरर्स ऑफ द ऑन द ड्रेसिंग टेबल मिरर शुड बी प्लेस्ड ऑन ईस्ट और नॉर्थ वॉल, एनी मिरर शुड बी प्लेस्ड ऑन द ईस्ट और नॉर्थ वॉल और नो मिरर शुड सी द बेड पोजिशन, मिरर में बेड नहीं दिखना चाहिए। मैम एक बार वापस रिपीट करो ना। हाँ इट्स नॉट ऑस्पिशियस दैट द बेड इज सीन इन द मिरर, बेड के सामने, अब मिरर शुड नॉट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द बेड, उसको पैरेलल की दीवार पे लगाना अच्छा होता है। मिरर पोजीशन मैम, हाँ मिरर पोजीशन ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे मिरर हो और बेड शुड नॉट बी सीन इन द मिरर, तो अगर वो पॉसिबल नहीं तो उसको ढक के रखो, कर्टन लगाओ या कबोर्ड करो, एनीथिंग यू कैन, बट द बेड शुड नॉट बी सीन इन द मिरर। अच्छा बेडरूम में जो भी अलमारिया है वार्डरोब है वो सारा वेस्ट या साउथ वॉल में होना चाहिए, एनी अलमारियाज या वार्डरोब्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द साउथ और वेस्ट वॉल। एनी अलमारिया और एनी स्टोरेज और एनी वार्डरोब शुड बी प्लेस ऑन द साउथ और वेस्ट वॉल एंड बाथरूम टब बाथ टॉयलेट अटैच टू द बेडरूम दे शुड बी इन द वेस्ट जोन ऑफ दैट रूम, एनी अटैच बाथरूम बाथ टब और टॉयलेट और चेंजिंग रूम इवन that are to be attached to the bedroom, they should be in the west or northwest zone. I'm west ani konda bolla west or northwest vayavya kiwa paschim disha अच्छा तिजोरी होती है जहाँ पे पैसा रखते हैं वो कहाँ पे होना चाहिए, आप वत्सल पद होता है वास्तु में, आप वास्तु पुरुष मंडल देखो उसमें आप वत्सल पद होता है, उसके पास में पृथ्वीधर पद होता है वहाँ पे होना चाहिए, तिजोरी का स्थान है वो पृथ्वीधर पद में होना चाहिए। या फिर साउथ में हो लेकिन साउथ को बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो, थोड़ा सा नॉर्थ के पोर्शन में ही होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग ही रखो तिजोरी को। नॉर्थ फेसिंग होता है ना तिजोरी, नॉर्थ फेसिंग ही होना चाहिए लेकिन बिल्कुल साउथ में नहीं रखना है, थोड़ा सा थोड़ा छोड़ के रखना है, तो सबसे आइडियल पोजीशन है पृथ्वीधर पद में अगर तिजोरी है तो भर ही रहती है, कभी भी उस खाली नहीं रहती है, कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा टॉयलेट्स का आप लिखो कौन से डायरेक्शन में होना ठीक है कौन से नहीं, आप लिख ही लो ये, तो नॉर्थ वेस्ट में ओके, कहाँ पे ओके है, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे होना ठीक होता है, इट्स गुड अलाउड है।
बाकी कहीं भी हो तो अलाउड नहीं है पर वास्तुशास्त्र। एंड इफ द टॉयलेट्स आर प्लेस्ड इन द नॉर्थ ईस्ट कोनो देन कैंसर स्ट्रोक सच काइंड ऑफ डिसीजेस कैन बी सीन इन दैट फैमिली। तो नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इज द महादोषा। देर इज नो रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट। कोई बताएगा नहीं ये करो वो करो ठीक हो जाएगा। नो टेम्पररी होगा उसका परिणाम होता है। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इज द महादोषा। ईस्ट में अगर डब्ल्यू सी है टॉयलेट है तो क्या होता है बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं बिगड़ जाते हैं उनको बुरी आदतें लगती है। इफ द टॉयलेट्स आर डब्ल्यू सी इज प्लेस्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन देन द चिल्ड्रन गेट्स बैड हैबिट्स दे आर ट्रैप्ड इनटू बैड हैबिट्स बैड कंपनी एंड दे नेवर प्रोग्रेस इन देयर करियर। द डब्ल्यू सी इज प्लेस्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन देन चिल्ड्रन इन द फैमिली आर ट्रैप्ड बैड हैबिट्स बैड कंपनी एंड दे नेवर प्रोग्रेस इन देयर करियर। And if the WC is placed in the north, then expenditure is more than income. And it creates medical bills, heavy, huge medical bills. मतलब बड़ी बीमारी नहीं होती लेकिन कुछ न कुछ फैमिली में आज इसको ये हो गया आज उसको वो हो गया डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं। When the toilet is placed in the north. What are the ideal positions for toilet WC? First is west, सबसे best है and second is northwest. And the toilet should not be placed on the north-south axis. North-south axis होता है north-east का और south-east का sorry north-east और south-west का जो axis होता है ना सबसे best zone होता है वहां से energy enter करके घर में कहीं भी वहां पे वो axis पे WC पॉट नहीं होना चाहिए। Okay? Any doubt about this? Any questions? Ma'am, one question. Yes. Ma'am, जे टॉयलेट असतं आता सगळीकडे बघतो आपण अटॅच टॉयलेट बाथरूम असतं ठीक आहे सो त्यामध्ये जो ड्राय एरिया आणि वेट एरिया असतो त्यामध्ये काहीतरी डिव्हिजन असलं पाहिजे असं म्हणतात असं का कारण एनर्जी सर्क्युलेशन पॉल्यूट होतो ना म्हणून ओके डाय एरिया आणि वेट एरिया मध्ये काहीतरी म्हणजे आपण जो कर्टन्स वगैरे लावले किंवा एक पार्टीशन त्यामध्ये डाय एरियाला रूल नाहीये पण डब्ल्यू सी ला रूल आहे। डाय एरियाला एवढा रूल नाहीये पण डब्ल्यू सी ला रूल आहे। पहिले जमाने में क्या था पहले के जमा अभी का वास्तुशास्त्र पहले का अलग था। पहले के जो घर थे उसमें घर में ये टॉयलेट्स नहीं होते थे घर के बाहर दूर होते थे तो घर में वो पोल्यूटेड एनर्जी नहीं रहती थी। अभी कैसे होता है घर में ही होते हैं घर भी छोटे वहां पे ये पोल्यूटेड ऊर्जा होती है। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि इंटीरियर्स में इसको आप कंसिडर करो। डायरिया जो है वो सिर्फ कुछ एक्टिविटीज के लिए जैसे वहां पे वॉशिंग मशीन रखी है इसके ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। वहां पे एनर्जी का निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी का कोई संबंध नहीं या सर्कुलेशन नहीं होता है। दैट इज जस्ट वर्किंग एरिया तो उसके लिए कोई रूल नहीं है बट यू नीड टू सी वेयर द डब्ल्यू सीज आर प्लेस्ड। ओके
ओके मैम, ओके मैम। कहीं भी डब्ल्यूसी हो वो वहां पे एग्जॉस्ट होना ही चाहिए, एग्जॉस्ट इज अ मस्ट कोई भी जोन में हो। ठीक है, अभी यहाँ पे रुकते हैं हम। ठीक है, बाकी का पोर्शन हम मंडे को लेते हैं। मंडे को एक जितने भी आपके फ्रेंड्स जो भी अभी नहीं है प्रेजेंट उनको भी बोलो क्योंकि साइकोलॉजी का लेक्चर होने वाला है। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर करियर एंड वेलबींग। ठीक है, ओके। चलो ऑल ऑफ यू देयर एंड यू हैव इट पोस्ट इट ऑन द ग्रुप एंड स्टडी करना। चलो थैंक यू मैम। या बाय। Thank you.